कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत यूनिक सा और बहुत आसान सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। दो दो फंदे बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही आसान और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये बच्चों के स्वेटर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए, इधर से हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे, उसके बाद देखिएगा ये धागा लपेटेंगे, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, दो फंदे फिर से एक साथ बनाएंगे, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, दो फंदों का एक साथ। इसी क्रम में हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक फंदा लपेटा, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और ये फंदा उल्टा। इधर से हम पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। अब बैक साइड आ गए। अब देखिएगा, पहले दो फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। ये देखिए, जो हमारा ऊन पीछे ले जाएंगे, जो जाली वाला फंदा है ये वाला, ये हमें इधर से सीधा बनाना है, और ये फंदा जो हमने दो का एक किया था, ये हमको इधर से उल्टा बनाना है। जाली वाला फंदा सीधा और ये फंदा उल्टा। जाली वाला फंदा सीधा, ये वाला फंदा उल्टा। जाली वाला सीधा, ये फंदा उल्टा, ये जाली वाला सीधा, लास्ट वाला उल्टा। इस तरह से एक एक कलर से दो दो सिलाइयाँ चलेंगी। अब हम इसमें अपना बेस कलर लगा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, दो सिलाई सीधी और उल्टी उतारनी है। इधर से पूरी सिलाई सीधी और बैक साइड से उल्टी, दो सिलाइयाँ बीच में ये बेस कलर से बनाएंगे। इधर से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ईजी पैटर्न है, बनता भी जल्दी जल्दी है ये, और सबसे अच्छी बात कि बनाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। काला लाल स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा, काला सफ़ेद भी बहुत अच्छा लगेगा। और सफ़ेद कलर तो ऐसा है कि हर किसी डार्क कलर के साथ मैच हो जाता है। ये देखिए, दो सिलाई मैंने उतार ली। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इस पैटर्न को। इधर से उल्टा बुनेंगे, एक फंदा पहला उल्टा बुनेंगे, एक धागा लपेटेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, दो का एक, फिर एक फंदा लपेटेंगे जाली के लिए, दो का एक, फिर से एक फंदा लपेटेंगे, दो का एक, फिर से एक फंदा लपेट कर दो का एक, लास्ट का फंदा एक उल्टा। इधर से पहले दो फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे। इधर से इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, जाली वाला फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, जाली वाला सीधा, जाली वाला फंदा सीधा। और इसके बाद जब फिर से दोबारा से बनाएंगे हम इसको, तो फिर से हमको इसकी दो बेस कलर से फिर से दो सिलाइयाँ उतारनी है। तो ये ऐसे ही हमारा पैटर्न बनता जाएगा। बीच में दो सिलाई इसकी हैं और दो सिलाई का ये पैटर्न है। तो ये कुल मिला के चार सिलाई का पैटर्न है। इधर से मैंने सीधी सिलाई उतार दी इसकी। देखिए, अब ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, मोती मोती जैसा डिजाइन लगता है, बहुत सुंदर। अब देखिएगा, जब आगे आगे बनाएंगे तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा। आज का मेरा पैटर्न यही है। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।